गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आरआरबी 2019। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ग्राफ्टिंग ऑफ बर्न ऊन आर कवर्ड विथ द पेशेंट ऊन स्किन। बर्न ऊन होता है उसमें कौन सी ग्राफ्टिंग करते हैं, इन विच हम क्या करते हैं, पेशेंट की ऊन स्किन लगाते हैं। ये एक सर्जरी है ग्राफ्टिंग की। तो फर्स्ट ऑप्शन होमोग्राफ्ट्स, सेकंड ज़ीनोग्राफ्ट्स, थर्ड ऑटोग्राफ्ट्स एंड लास्ट हेटेरोग्राफ्ट्स। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑटोग्राफ्ट्स। क्यों ऑटोग्राफ्ट्स, क्योंकि पेशेंट का खुद की स्किन लगाई है उसमें, पेशेंट के जो जहाँ अच्छा मतलब जो बॉडी पार्ट इंजर्ड नहीं हुआ है और जहाँ ज़्यादा मसल टिश्यू है वहाँ से स्किन रिमूव करके जहाँ बर्न का उंड है उस प्लेस पे लगाया जाता है, उसे कहते हैं ऑटोग्राफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एबनॉर्मल accumulation of fluid is known as first inflammation, second edema, third epistasis and last necrosis. तो inflammation means swelling होती है, उसमें fluid collection नहीं होता। then second edema, edema में क्या होता है, fluid collection होता है। then epistasis means bleeding from nose, एंड नेक्रोसिस में क्या होता है, डेथ ऑफ द टिश्यू ड्यू टू लेस ऑक्सीजन सप्लाई। तो इडिमा क्या है, एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द बॉडी इज नोन एज इडिमा। फिर इडिमा के टाइप्स भी है, फर्स्ट है पेडल इडिमा, उसमें क्या होता है लोअर लेग, एंकल एंड फीट जो है वो अफेक्ट होते हैं, उनमें फ्लूइड कलेक्शन होके होता है, एक्युमुलेशन होता है। देन सेकेंड है पेरीफेरल एडिमा, पेरीफेरल एडिमा में क्या होता है वो जो है वो आर्म्स लेग्स एंड फीट को अफेक्ट करता है। देन पल्मनरी एडिमा में लंग्स आर अफेक्टेड। एंड लास्ट इज अ सेरेब्रल एडिमा, उसमें क्या होता है ब्रेन इज अफेक्टेड। एंड एनासार का एक कंडीशन है जिसमें पूरी बॉडी में जनरल एडिमा रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल है। ऑप्शन नंबर ए क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी सल्फर, ऑप्शन नंबर सी आर्गन एंड लास्ट नाइट्रोजन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी सल्फर। सल्फर जो है वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी पजेसेस बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एंड मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज। ये हमें 12th के फिजिक्स में था एंड केम में भी था। काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या होती है, जो एनर्जी मूविंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो हमें इसका फॉर्मूला पूछा है एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है पहले हाफ एम वी स्क्वेयर मीन्स मास, हाफ मास इंटू वेलोसिटी इज द करेक्ट ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 382 वी गेट 54 एज अ रिमाइंडर, ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 55 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। एंड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, 54। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गर्ल स्टैंड्स ऑन अ लॉन फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, शी टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 135 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसका सॉल्यूशन ऐसा है, गर्ल इज हियर, देन उसने क्या किया, 45 डिग्री मीन्स एस इतनी, यहाँ से 45 डिग्री उसने क्लॉकवाइज टर्न किया, फिर 35 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन उसका जो फेसिंग है वो आता है नॉर्थ साइड। देन फर्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। कोलकाता सिटी जो है वो कौन से रिवर के साइड में है सिचुएटेड, ये पूछा है। तो फर्स्टली हुगली, सेकेंड कृष्णा, थर्ड गोमती एंड लास्ट सतलज। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, हुगली नदी, हुगली रिवर। हुगली रिवर के साइड में कोलकाता सिटी जो है वो सिचुएटेड है। कोलकाता जो है वो कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रिसेनाइल डिजनरेटिव डिसीज ऑफ द ब्रेन अफेक्टिंग द फ्रंटल लोब इज कॉल्ड ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेजम, पिक्स डिसीज एंड नियोलॉजिज्म। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, पिक्स डिसीज। ये रेयर डिसीज है और इसमें क्या होता है, ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है वो अफेक्ट होता है। देन नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस किसने इंट्रोड्यूस किया था? फर्स्ट विलियम हार्वे, सेकेंड एंटोन वैन लीवनहुक, थर्ड जॉर्ज मेंडल एंड लास्ट रॉबर्ट ब्राउन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज जॉर्ज मेंडल। जॉर्ज मेंडल ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, हाइब्रिडाइजेशन पे, जो पीज प्लांट होते हैं उस पे, उन्होंने गार्डन में पीज प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उससे उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इंट्रोड्यूस किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल डिवाइस इज यूज टू सपोर्ट द पेशेंट बैक। कौन सा मैकेनिकल डिवाइस जो है वो पेशेंट के बैक को सपोर्ट करने के लिए यूज होता है? फर्स्ट बेड क्रैडल, सेकेंड फुट बोर्ड, थर्ड बैक रेस्ट एंड लास्ट कार्डियक टेबल। एंड करेक्ट ऑप्शन इज बैक रेस्ट। बैक रेस्ट ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो हम पेशेंट के बैक रेस्ट के लिए, सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। ये एक कंफर्ट डिवाइस। पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन 2019। फर्स्ट ऑप्शन द ओवर स्टोरी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 1750 बॉयज एंड 1250 गर्ल्स आर एग्जामाइंड इन अ टेस्ट। 40% ऑफ बॉयज एंड 36% ऑफ द गर्ल्स पास द टेस्ट। द परसेंट ऑफ द टोटल हु फेल्ड इज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 60.5% टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ टीम ऑफ। जो यूपीएससी का जो चेयरमैन एंड मेंबर्स है वो कितने दिनों तक रहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन 4 ईयर, सेकेंड 5 ईयर्स, थर्ड 6 ईयर एंड लास्ट 7 ईयर्स। एंड करेक्ट ऑप्शन इज 6 ईयर्स के लिए रहती है उनकी टीम और टर्म। और जो यूपीएससी है उसके स्टार्ट कब हुआ था, वो हुआ था अक्टूबर 1926 को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय कंस्ट्रिक्टिंग आर्टेरियोज ड्यूरिंग सीवियर हैमरेज। हैमरेज हुआ तब कौन सा हार्मोन है जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसका सेकेंड नेम है वासोप्रेसिन। देन नेक्स्ट, द प्रोटीन प्रेजेंट इन द म्यूकस इज कॉल्ड एज, जो प्रोटीन म्यूकस में प्रेजेंट होता है वो है म्यूसिन।